टीबी एक बैक्टीरिया जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है से फैलने वाली एक बीमारी है। टीबी का मूलतः कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जो ज़्यादातर फेफड़ों की बीमारी करता है। टीबी के कीटाणु का प्रवेश श्वास के द्वारा हमारे फेफड़ों में होता है जहाँ पर वो घर बनाकर बीमारी करता है। इसके लक्षण तेज़ बुखार आना, खांसी जो 2 सप्ताह से ज़्यादा चले, खांसी में बलगम या खून आना, भूख ना लगना व वज़न कम होना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। टीबी का इलाज 100% संभव है। जिन मरीजों में टीबी की दवा का असर बरकरार है उनमें 100% ठीक होने की संभावना होती है। टीबी के इलाज के लिए बहुत ही कारगर दवाएं उपलब्ध हैं। टीबी का इलाज कम से कम 6 माह के दौरान के लिए चलता है। टीबी के मरीज को सबसे महत्वपूर्ण है कि वो अपनी दवा सही डोज में और सही समय तक और नियम के साथ रोज़ाना ले। दवा लेने में कोई भी रिलैक्सेशन या कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अगर दवा लेने से कोई भी दिक्कत आए, जैसे कि उल्टी होना या पेशाब लाल आना या कोई और भी दिक्कत आए, तो वो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले, लेकिन दवा पूरे नियम से पूरे डिसिप्लिन के साथ लें। इसमें एक मुश्किल ये आती है कि इस बीमारी का बच्चों में डायग्नोसिस या निदान करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे खुद अपना खुद का बलगम जांच के लिए नहीं दे पाते हैं, तो टीबी का बच्चों में डायग्नोसिस करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। फिर भी जो पहले बताए लक्षण हैं, जैसे निरंतर बुखार होना, 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी आना, छोटे बच्चे जो खा पी नहीं रहे हों, टीबी से रिलेटेड डाइट फूड्स की अगर हम बात करें तो वो फूड जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, स्ट्रेंथ हो और हमारी बॉडी बूस्टिंग और फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ एक्टिव हो, उसके लिए हमें इम्यून बूस्टिंग फूड्स खाने चाहिए। अगर इम्यून बूस्टिंग फूड्स की मैं बात करूँ तो वाइटमिन ई, कैल्शियम, लीन प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसी फूड हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। टीबी में जो चीज़ों का नहीं खाना चाहिए वो है लीन मीट, जैसे ऑर्गन मीट्स, अगर हम बात करें तो जितने भी मटन, लाल मांस जिसे हम कहते हैं, वो सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। फैट्स नहीं खाने चाहिए, फैट्स में भी अनहेल्दी फैट्स जैसे फुल क्रीम मिल्क, चीज़ और प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, पैक्ड फूड्स, ये सारी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। शुगर का जितना कम से कम यूज़ हो सके वो करना चाहिए। शुगर नेचुरल है तो बहुत अच्छा है। नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर में आप हनी ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, जैगरी, गुड़ जिसे हम कहते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में शुगर की जगह यूज़ कर सकते हैं।